मैक्स चन और रजत दलाल को मिल चुकी है अपॉर्चुनिटी ओटीटी सीजन 3 बिग बॉस के अंदर। दोस्तों मैं हूं अंशु महला और चलिए हम बात करते हैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो अभी बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अंदर एक काम करने वाला एक बढ़िया आइडिया है। जिस तरीके से यहाँ पर मैक्स चन और एलविस यादव की फाइट हुई थी, कंट्रोवर्सी बड़ी थी, उसके बाद में इसका फैसला कराया था किसने, रजत दलाल ने, तो उसका सीधा सीधा फायदा किसको हुआ, रजत दलाल को और मैक्स चन को। दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर मैक्स चन ने अपना पूरा दिमाग लड़ाया था कि भाई एलविस यादव को मैं टारगेट कर लेता हूँ क्योंकि वो विनर है और मुझे कहीं ना कहीं अप्रोच किया जाएगा ओटीटी सीजन 3 के लिए, तो वही काम उनका पक्का हो गया है और उनको ओटीटी सीजन 3 के लिए अप्रोच किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर रातों रात फॉलोवर बढ़ गए हैं मैक्स चन के, और यहाँ पर एलविस यादव को भी काफी सर्च किया जा रहा है, यहाँ पर रजत दलाल को भी काफी सर्च किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रजत दलाल बेसिकली एक पावर लिफ्टर है जो दिल्ली का रहने वाला है और लंबे टाइम तक एक जिम ओनर भी है और लगातार ट्रेन भी करता है काफी लोगों को और काफी अच्छी नॉलेज है इसके पास पावर लिफ्टिंग की। हाँ जी भाई, आपने एक सिस्टम को ही हिला डाला। मैं बात करूं कि इस कंट्रोवर्सी में किसको फायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले फायदा तो मैक्स चन को हुआ क्योंकि वो चाहता था इस रियलिटी शो में हिस्सा बनना और ओटीटी सीजन 3 के लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल ही गई है। यहाँ पर रजत दलाल को भी फायदा हुआ है क्योंकि उसके भी काफी फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, रजत दलाल को भी काफी सर्च किया जा रहा है और टाइप करते हैं सागर ठाकुर तो सागर ठाकुर यानी कि मैक्स चन का नाम टॉप पर आ रहा है और सागर ठाकुर यानी कि मैक्स चन के 1 मिलियन फॉलोवर भी हो गए हैं। उसको काफी बधाई क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रोवर्सी की थी, इसका जनता का पागल बनाया था, उसको फायदा मिला ही है। यदि हम बात करें यहाँ पर नितिन चंडीला जो आए थे, उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से ये बोला कि कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा ना बने, बेवकूफ मत बने और अपने काम से काम रखे। ये वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कौन जी, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? तो आप सब देख रहे होंगे सब जो चल रहा है, लोग हमें अच्छे मतलब लोग हमें पागल बनाते हैं और हम बन जाते हैं कॉन्ट्रोवर्सी के चक्कर में। तो आपको एक चीज, दोस्तों इसमें नितिन चंडीला के द्वारा यही कहा गया है कि भाई जो भी कंट्रोवर्सी करते हैं उनसे दूर रहें, और नितिन चंडीला के बाद में काफी देर बाद समझ में आया कि भाई ये एक दिखावा वाली कंट्रोवर्सी है और इसके अंदर सिर्फ ट्रेंडिंग करने के लिए काम किया गया है। जिस तरीके से मैक्स चन चाहता था कि भाई वो रियलिटी शो का हिस्सा बने और उसको अप्रोच की जाए बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के लिए, और वो सफल भी हुआ है। ऐसे ही रजत दलाल कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में हिस्सा लेता ही लेता है क्योंकि वो भी चाहता है कि वो भी ट्रेंडिंग में आता रहे, और नितिन चंडीला भाई ने इस कॉन्ट्रोवर्सी से अपने आप को वापस किया और ये काफी अच्छा डिसीजन भी है। लेकिन एलविस के फैन कहीं ना कहीं परेशान जरूर है। जिस तरीके से यहाँ पर मैक्स चन कोशिश कर रहा था प्रोवोक करने की, पिंच करने की एलविस यादव को, और फिर एलविस यादव ने उसकी जबरदस्त धुलाई भी की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो मेरी आप देख सकते हैं, आई बटन पर मैंने इसका क्लिक लगा दिया है और इस वीडियो को जरूर देखना। जिस तरीके से यहाँ पर एलविस यादव ने कुटाई की थी मैक्स चन की, उसके बाद में फिर कॉन्ट्रोवर्सी को यहाँ पर फैसले के द्वारा खत्म कर दिया गया रजत दलाल के द्वारा, उसके बाद में एलविस यादव एलविस भाई ने वो गए थे यहाँ पर मैक्स चन के परिवार से मिलने, जहाँ पर उसके मम्मी और उसके पापा ने उनका काफी अच्छा वेलकम किया। उसके बाद में एलविस यादव ने फिर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये भी बोला कि भाई जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, सब कुछ खत्म करते हैं, भाईचारा जिंदाबाद, 36 बिरादरी जिंदाबाद। और इसी तरीके से फिर जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फैसला हो जाता है, तो फिर बिरादरी याद आ जाती है, 36 बिरादरी जिंदाबाद, ये नहीं सोचते कि भाई हम लड़ाई ना ही करें। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या ये कंट्रोवर्सी सही हुई है या फिर ये एक फिर फैन फॉलोइंग बटोरने की एक कंट्रोवर्सी थी? दोस्तों आपकी क्या राय है, यदि मैक्स चन की कहीं ना कहीं हड्डी टूट जाती तो क्या करते एलविस यादव? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस तरीके से यहाँ पर हवा बना रखा था, मैक्स चन यहाँ पर FIR करा रहे हैं एलविस भाई के ऊपर, और वो FIR भी नहीं हुई, फिर बाद में सब कुछ फैसला भी हो गया। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर लगातार वीडियोस आती रहती हैं, आप भी मेरे साथ वीडियोस में हिस्सा ले सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़कर, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप भी चाहते हैं मेरे साथ काम करना तो जल्दी से जल्दी मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें और मेरी टीम का हिस्सा बने। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।